इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। गर्ल्स कॉलेज के छात्राओं द्वारा कॉलेज के गेट के बाहर लगे हुए गंदगी के ढेर एवं अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था को लेकर छात्राओं द्वारा रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। गर्ल्स कॉलेज छात्रा अध्यक्ष निशा हाडा के नेतृत्व में नगर परिषद के आयुक्त के खिलाफ जमकर विरोध नारेबाजी कर पुतला जलाया गया। निशा हाडा अध्यक्ष ने बताया कि कॉलेज के गेट के बाहर गंदगी के अंबार ढेर लगे रहते हैं, जिससे आम आते जाते समय छात्राओं को गंदगी के ढेर के अपास से निकलने पर बीमार और संक्रमण होने का खतरा पैदा हो रहा है तथा कॉलेज के बाहर व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था से भी छात्राओं में काफी परेशानियों समस्याएं आती हैं। इससे पूर्व में नगर परिषद आयुक्त को कई बार शिकायत दे चुके हैं, मगर आयुक्त हर बार टालमटोल करके समस्या का समाधान स्थायी रूप से नहीं कर पा रहे हैं। इस गंदगी के ढेर व पार्किंग व्यवस्था को लेकर कॉलेज के सभी छात्रों में गौर आक्रोश व्याप्त है। अगर आयुक्त के द्वारा इन अव्यवस्थाओं को सुधारा नहीं जाएगा तो वह अनशनकालीन आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए नगर परिषद प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र संघ महासचिव निशा शर्मा, उपाध्यक्ष लक्ष्मी मीणा, अस्मिता का चौधरी, काजल खरोला, भूमि चौधरी, कुमकुम बैरागी, ममता गुर्जर, भारती गुर्जर, मोनिशा दीक्षा, विनीता लक्ष्मी, कनक जया, खुशी धर्मेंद्र चौहान, प्रभात जैन, मंत्री आयुष ब्रजवासी, आयरन माहेश्वरी, रामराज बगड़वाल, भूपेंद्र गुर्जर, नरेश बढ़ाना, कुणाल गहलोत आदि उपस्थित रहे। इंडियन टीवी न्यूज से पुरुषोत्तम बूंदी की रिपोर्ट। नगर परिषद प्रशासन से बात हुई आपकी? जी नहीं, ओनली आयुक्त महोदय से बात हुई थी। दिन में तो उन्होंने बोला कि गाड़ियों को हटवा देंगे, कचरा हटवा देंगे, रोड बनवा देंगे। तो उस टाइम हमने देखा तो 2 घंटे तक वहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन जस्ट 2 घंटे बाद ही वहाँ पर 5 से 6 गाड़ियाँ अभी पर्चे टाइम में भी खड़ी हुई है। तो उनका आश्वासन का कोई संतुष्ट नहीं हुआ। जी हाँ। आपका नाम? छात्र संघ अध्यक्ष निशा हाडा। हाँ जी, ये आपने आज जो ज्ञापन धरना प्रदर्शन किया है, किस मांग को लेकर नगर परिषद ने धरना प्रदर्शन किया है? जी, आज का हमारा धरना प्रदर्शन हमारे कॉलेज के बाहर जो कार पार्किंग होती है उसको लेकर था, और जो कचरा डलता है वहाँ पर मोहल्ले का उसके लिए, और वहाँ के मेरे कॉलेज के बाहर का रोड खराब है अभी भी, तो उसके लिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया था। तो सुबह आयुक्त महोदय ने हमसे बोला था कि अभी मैं वहाँ से गाड़ियाँ हटवाता हूँ और कचरा भी हटवा रहा हूँ। तो उस टाइम तो उन्होंने गाड़ियाँ हटवा दी और कचरा हटवा दिया, और अभी 2 घंटे भी उनको बोले नहीं हुआ तो वहाँ पे 5 गाड़ियाँ अभी भी पर्चिंग टाइम में खड़ी हुई है। तो उनका आश्वासन भी फेल रहा, और अभी हमें CI साहब आकर ये आश्वासन देके गए हैं कि आप कॉलेज के बाहर का रोड कल तक बन जाएगा, तो वो हमें आश्वासन देके गए। तो जो आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया जो वही फेल हो गया, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि जो CI साहब ने आश्वासन दिया है वो सफल रहेगा। इसलिए आज हम पूरी नाइट नगर परिषद के बाहर ही बैठे हुए हैं, मेरे साथ 20 लड़कियाँ हैं, और हम सभी यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठी रहे। जहाँ तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये धरना प्रदर्शन अभी जारी रहेगा आपका? जी हाँ, जारी रहेगा जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जब तक हाँ, और अभी तो हम सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कल 12 बजे तक अगर जो हमें आश्वासन दिए गए हैं वो तीनों काम हमारे। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।